अच्छे किडनैपर बनो तभी अच्छे पति बनोगे। सुनने में अजीब लगा ना। ये दरअसल इंडिया के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वेडिंग रिचुअल है। इसमें दुल्हा दुल्हन को किडनैप कर लेता है और उसे एक साल तक छुपा कर रखता है। इस किडनैपिंग को सक्सेसफुली करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही उनकी फॉर्मल तरीके से शादी कराई जाती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शादी से जुड़े ऐसे कई अनोखे और अजीब रिचुअल्स हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। पति पत्नी और वो, यहाँ सुहागरात पर कमरे में दो नहीं तीन लोग मौजूद होते हैं। शादी की पहली रात से पहले दुल्हा दुल्हन को एडवाइस देना तो आपने सुना होगा, पर अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में यही एडवाइस उनके कमरे में उनके साथ रह कर दी जाती है। यहाँ दुल्हन के घर से एक बुजुर्ग औरत उसके साथ सुहागरात के कमरे में जाती है। वो दुल्हा दुल्हन के फूलों से सजे बेड के नीचे जाकर लेट जाती है। ये अज्यूम किया जाता है कि इस नए जोड़े को सुहागरात में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इसलिए ये बुजुर्ग औरत रात भर उनके साथ रहकर उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है ताकि उनकी पहली रात अच्छे से गुजरे। फिर दूसरे दिन कम्युनिटी में जाकर उसे बताना पड़ता है कि पहली रात को दुल्हा दुल्हन के बीच सब ठीक से हुआ या नहीं। रवांडा, केन्या और अफ्रीका के कुछ और कंट्रीज में यह रिचुअल सदियों से चलता है। पकड़वा विवाह, द किडनैप ग्रूम। इस जगह दुल्हा ढूंढा नहीं जाता, जवान लड़कों को किडनैप कर उन्हें जबरदस्ती दुल्हा बनाया जाता है। 2019 में एक 27 साल का आदमी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी कार कुछ अनजान आदमियों ने रोक ली, उसे कार से घसीटकर बाहर निकाला, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे उठाकर ले गए। पूरी रात उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उसे मंदिर ले जाया गया जहां उसने देखा कि एक अनजान लड़की दुल्हन के वेश में उसका इंतजार कर रही थी। वो कन्फ्यूज हो गया, वो कुछ समझ पाता इससे पहले बंदूक की नोक पर उस लड़की से उसकी शादी कराई गई। इस तरह के फोर्स्ड मैरिज को पकड़वा विवाह कहते हैं। ये बिहार के कई हिस्सों में आज भी होता है। ये ज्यादातर वो फैमिलीज करती हैं जिनके पास दहेज देने जितने पैसे नहीं होते। फैमिलीज गुंडों की मदद से किसी भी जवान लड़के को किडनैप कर लेते हैं और अपनी बेटी से उसकी शादी करा देते हैं। जाहिर सी बात है, लड़की की मर्जी या पसंद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जहां एक तरफ पकड़वा विवाह जैसे अजीब रिचुअल्स इंडिया में आज भी चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री भी है जहां जीते जागते इंसान की शादी एक लाश से कराई जाती है। कैसे और क्यों, ये आपको वीडियो के आखिरी पार्ट में पता चले। सो स्टे ट्यून्ड। मामन कल्याणम, मामा से शादी। इंडिया के इस पार्ट में मामा भांजी की शादी कराई जाती है। 2011 में कर्नाटक की एक 11 साल की बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक रात उसके पेरेंट्स ने अचानक उसे उठाया और कहा कि उसकी शादी होने जा रही है। अचानक आई इस खबर को वो समझ पाए उससे पहले उसे एक और झटका दिया गया। उसका दूल्हा था उसका अपना सगा मामा। 11 साल की छोटी उम्र में उसकी शादी उसी के मामा के साथ कराई गई। कर्नाटक के उस छोटे गांव की लगभग सभी लड़कियों की यही कहानी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और साउथ इंडिया की कुछ कम्युनिटीज़ में मामन कल्याणम की प्रथा एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर थी। इसके चलते घर की सबसे बड़ी बेटी की शादी उसके मामा से कराई जाती थी। आज के समय में बड़े शहरों में इसके बारे में शायद ही कभी सुनाई दे, पर कई छोटे गांव और कस्बों में आज भी इस प्रथा को निभाया जाता है। घोस्ट वेडिंग, मैरिज आफ्टर डेथ। एक ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज की शादी कराई जाती है। जी हां, चाइना में चलते आ रहे इस 3000 साल पुराने रिचुअल को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां अगर किसी इंसान की बिना शादी किए मौत हो जाए तो उसकी लाश की शादी कराई जाती है। एक फेंग शुई मास्टर को बुलाकर दुल्हा और दुल्हन की लाशों की जोड़ी बनाई जाती है। फिर उनकी कब्र पर जाकर एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। इसमें दुल्हन की कब्र को खोदते हैं, उसके हड्डियों को बाहर निकालते हैं और दुल्हन की हड्डियों को दुल्हे की कब्र में डाल दिया जाता है। ये प्रथा इस सोच से शुरू हुई थी कि एक अनमैरिड इंसान की आत्मा अकेली ना रहे और मरने के बाद उसे शादी का सुख मिल सके। पर आज के समय में इस रिचुअल ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। कुछ ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां एक जिंदा इंसान की शादी लाश से कराई गई और तो और लाशें बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। 2015 में चाइना के शिंग्स प्रोविनेंस के एक गांव से 14 लड़कियों की लाशें चोरी हो गई। जो रिचुअल आत्मा की शांति के लिए शुरू हुआ था वो लाशों की तस्करी में बदल गया। साउथ ईस्ट एशिया के कई और कम्युनिटीज में आज भी किया जाता है और इससे जुड़े कई खतरनाक पहलू सामने आते रहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दुनिया भर में शादी का जितना इम्पोर्टेंस है, उतना ही उससे जुड़े रिचुअल्स का है। इसलिए आज भी ऐसे कई वियर्ड मैरिज रिचुअल्स चले आ रहे हैं। क्या आप भी ऐसे किसी रिचुअल के बारे में जानते हैं? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू राज फॉर मोर अनसुनी अनदेखी और अनकही कहानी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।